हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में हम एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देख रखा है, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसीस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ये फ्लोर के ऊपर ये कुछ फूड पीसीस हैं, बिखरे पड़े हैं, ठीक है, वो इस टाइप के हैं। तो फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू मेक ए लॉन्गर राउंड। तो यहाँ से जैसे आंट यहाँ से चली, तो यहाँ से ऐसे ही यूँ चल के यहाँ पे आ गई, इसने एक राउंड चक्कर लगाया। यहाँ से आंट ने स्टार्ट किया, ऐसे गई, फिर यूँ चल के यूँ गई, तो उसने एक चक्कर लगाया, तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। या फिर यहाँ से आंट ऐसे गई, फिर यहाँ से यूँ चल के ऐसे यहाँ से आ गई, ठीक है। तो कौन सा चक्कर लगाने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी रिमेंबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सी, यानी सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये ए वाला फिगर देख लेते हैं। तो ए वाला फिगर, इसमें क्या है, यहाँ से ये आपका आधा सर्कल है, तो यहाँ से जो चींटी चलेगी, तो यहाँ से चल के ये आधा सर्कमफ्रेंस हो गया, और ये रेडियस है, यहाँ से रेडियस यहाँ से ये होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, ये 2 आर होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल देता हूँ, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, या फिर इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं, सीधा ही पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ से ये हो गया, ये क्या होता है, आधा गोल चक्कर होता है, ये क्या होता है आपका पाई आर होता है, और प्लस यहाँ से क्या हो गया, ये आर ये है और आर ये है, तो ये हो गया आपका 2 आर हो गया, ठीक है। तो अभी इसका पैरामीटर जब निकालते हैं तो कितना लगेगा, निकालेंगे पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना आपका, आर आपका यहाँ से 1.4 लिखा मैंने, आर है 1.4, ठीक है, ये 1.4 प्लस, और 2 आर क्या है आपका, 2 आर मतलब 2 आर यहाँ पे लिखा मैंने, 2.8 है, तो ये 2.8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो 7 1 जा और 7 2 जा, तो ये कितने हो गए, 22 × 0.2 और +2.8, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 22 × 44, 4.4 और +2.8, ठीक है। अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 7.2 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 4.4 और 2.8 करते हैं, तो 8 × 4 = 12, और ये 7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पैरामीटर आएगा वो 7.2 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें जो चींटी जो चलेगी यहाँ से चल करके और यहाँ से होकर के यहाँ तक वापस आएगी, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 7.2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। अब इसका पैरामीटर देख लेते हैं। इसके पैरामीटर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चींटी यहाँ से चलेगी, यहाँ से चल के आधे सर्कल पे गई यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, यहाँ से पाई आर हो गया, प्लस फिर यहाँ से ये अपने एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ, यहाँ से ये एल लिखा हो, तो ये एल हो गया, ठीक है, तो ये एल हो गया। फिर यहाँ से चलेगी वो यहाँ से, ये क्या आपका, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये 2 आर है, तो +2 आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से वो चलेगी, तो क्या हो गया, +L हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, पाई आर, और ये +2 आर और +12, पाई आर +12 और +2 आर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जब वैल्यू निकाल दें, तो पाई आर का मतलब पाई 22/7, और आर क्या है, यहाँ पे आर था 1.4, तो ये 1.4 हो गया, +2L, L कितना आपका, L यहाँ पे लिखा 1.5, +2R, 2R की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे दे रखी है 2.8, तो ये 2.8 हो गया। अब यहाँ से इसको, यहाँ से 7 1 जा और 7 2 जा, तो 0.2 आ गया, तो ये कितना आ गया, ये 4.4 आ गया, और प्लस ये कितना आ गया, इनको इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना, सॉरी, ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 आ गया और +2.8 आ गया, ठीक है। अब इसको जब करते हैं, तो यहाँ से इसका जो, इसका तो हमने यहाँ पे ही किया था यहाँ से, तो ये कितना आ गया, 7.2 और +3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करते हैं तो 10.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो चींटी यहाँ से चलेगी, तो यहाँ से चल करके यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी, तो ये पैरामीटर आपको कितना मिल जाएगा, 10.2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो चींटी जो राउंड लगाएगी वो कितना लगाएगी, 10.2 सेंटीमीटर लंबा राउंड वो लगा लेगी। ये बी का हो गया। अभी सी में देख लेते हैं, तो सी पार्ट जो है, इसमें पैरामीटर इसका कितना निकलेगा, इसका पैरामीटर यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से पैरामीटर के लिए चीटी जैसे यहाँ से चलती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चली, तो ये हो गया एल, ठीक
ठीक है, प्लस फिर यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया आपका, पाई आर हो गया, पाई आर, और फिर यहाँ से फिर ये आएगी तो ये एल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब की बार एल मैंने कितना लिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एल प्लस एल कितना हो गया, 12, और 12 प्लस पाई आर, तो 12 का, 2 एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 प्लस और पाई आर यानी 22/7, और आर क्या है, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ये आर यहाँ से, क्योंकि रेडियस सभी का सेम है, तो ये कितना हो गया, 1.4 हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे 7 1 जा और 7 2 जा, तो 0.2 हो गया, तो ये 4.4 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 8.4 सेंटीमीटर आता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फूड फूड पीस था, इसमें जो चींटी ने जो चक्कर लगाया वो कितना लगाया, 8.4 सेंटीमीटर का लगाया, यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर का लगाया, यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर का लगाया। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा लंबा चक्कर इसमें, लॉन्गर जो राउंड है वो कौन सा रहा, ये है 10.2, सबसे ज़्यादा है। तो बी जो फूड पीस था उसका राउंड लगाने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपका आंसर लिखा है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ से हैंस द एंड आंट हैज़ टू मेक द लॉन्गर राउंड अराउंड द पीस, कौन सा पीस था यहाँ पे, ये पीस नंबर बी, यहाँ पे बी नंबर पीस था इसका, तो यहाँ पे राउंड पीस बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बी पीस जो है उसका राउंड लगाने में उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 11.1 इन फेयर नोटबुक, एक्सरसाइज 11.1 को आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीटली सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।